भूकंप ने तुर्की, सीरिया समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपना विकराल रूप दिखाया। तुर्की और सीरिया के लोगों ने सोमवार को तबाही का जो मंजर देखा, उसका दर्द सदियों तक उनके दिलों में रहेगा। तुर्की में सोमवार सुबह 4:17 पर 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने भयानक तबाही मचाई। लेकिन तुर्की और सीरिया पर भूकंप का ये कहर यही नहीं रुका। इसके बाद भी दोनों देशों में 77 झटके आए। इनमें से एक झटका 7.5 तीव्रता का था, जबकि 3 झटके 6.0 तीव्रता से अधिक थे। भूकंप के इन झटकों ने तुर्की और सीरिया में महाविनाश ला दिया। दोनों देशों में अब तक 4,300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्सपर्ट्स द्वारा ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ आए भूकंप से भयानक तबाही जारी है। तुर्की में 5,606 इमारतें नष्टोनाबूद हो गई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। तुर्की में आए इस भूकंप के और इस तबाही पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।